और इस स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट को मेरा सलाम। अब कली आप सबसे दो शब्द कहेंगे। चलो कली। Give her a big hand, guys. I love you. खाना बोना क्यों नहीं रहे? बन गया माजी, बस टेबल पे लगा ही रहे। आजकल की लड़कियां भी ना कोई मर्यादा है नहीं। गौरी हर बात में कोनो गुंतड़ा कर देती है। काली हमारे पोते को लेकर चली गई, खाने का समय हो गया। खाना बन, अरे ये क्या, आपने पान खा लिया? हम बोले तो थे टेबल पे खाना लगा दिए हैं। योग और काली आ गए? नहीं कहा। माजी कहीं वो दोनों चुपचाप हनीमून मनाने तो नहीं चले गए? समझे कि समझाए, कुछ भी उठपटांग बोलती रहेगी ना पीटी है। वहां नहीं, यहाँ। कब क्या हमें जबान काहे दिखा रही हो? अरे हम जीप नहीं दिखा रहे, आपको अपने देखने के लिए कह रहे हैं। हम शीशा लेकर आते, शीशा लेकर आते। वही तो। जेठ जी जल्दी आइए, देखिए तो माजी को क्या हो गया है। माजी आपको क्या हो गया है? हाँ वो तो हमको दिख रहा है कि आपकी जवान काली हो गई है, मगर कैसे? क्या हुआ? क्या हो गया माजी को? अरे वो तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा, पहले जबान खाली हो गई थी, अब तो ये आवाज भी नहीं निकाल पा रही है, एकदम गूंगी हो गई है। हमारा मतलब है बोल नहीं पा रही है। एक मिनट मैं देखता हूँ, दिखाई दादी। वो ये तो पूरा सूजा हुआ है, क्या खाया आपने ऐसा? हमने कुछ नहीं किया, खुद पान बनाती है, खुद पान खाती है, हमने कुछ नहीं किया। रुको मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। आप कुछ और करिए ना माजी, क्या हुआ आपको? इससे आपको आराम मिलेगा, सूजन भी कम हो जाएगी। माल लगवा लीजिए ना, ठीक हो जाएगा। दादी ले लीजिए ना, क्यों फंसी हो रहे? माजी इतना अभिमान अच्छा नहीं होता, ले लो ना। चाहे जवानी का है ना काटनी पड़ जाए, काली का छुआ नहीं खाएंगे, मतलब नहीं खाएंगे। वो तो अपने पोते के प्यार की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। जी डॉक्टर, डॉक्टर आप प्लीज यहाँ जल्दी से आ जाइए, दादी की तबीयत बहुत खराब होगी। डॉक्टर साहब कहीं माजी पे माता वाता तो नहीं आ गई? क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लेकिन कोई तो कारण होगा, एलर्जिक रिएक्शन जैसा लग रहा है। वैसे काली ने बर्फ देके बहुत अच्छा किया है। अब ये दवाइयां ले आइए।
इससे इन्हें फायदा जरूर होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी देखो भला अब ये कौन सी नई आफत आन पड़ी है। कल गृह प्रवेश के वक्त अब शगुन हुआ था और अब दादी की जीभ। इसके वजह से कल ऐसा माधुरी छोड़ के चले गए उसका मुख। दादी जी हम खुद कहाँ गए, युग जबरदस्ती। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, तुम तो सब छोड़ छाड़ के चली गई थी ना बीच में। घर की सारी रस्में तुम्हें अपने हाथों से करनी थी, माँ जी ने ऐसी जुबान दी थी। अरे बाप रे, इसी वजह से आपकी जुबान चली गई है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। चाची जी ऐसे थोड़ी होता है, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे ऐसे होता है, होता है। पर दादी जी डॉक्टर अंकल कह के गए ना कि ये एलर्जी की वजह से हुआ है। ज्यादा वो एक कहने की बात पर रहो मत बनो। अब खुद अब पता है चलते। गला खराब है, कहाँ चलेंगी? गला खराब पैर नहीं समझे। हम तो रस्म पूरी करके ही जाना चाहते थे पर युग की जिद के आगे कुछ भी बोल नहीं सके। अब कौन समझाए दादी को उन्हें एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। अनर्थ, घोर अनर्थ, अब शगुन हो गया। माता रानी कुपित हो गई है। ये बहुत काली जुबान है इसकी। सच में काली जुबान है इसकी, लगता है ये काला जादू जानती है। अरे ये अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ, अनर्थ हो गया। इस अनर्थ का एक ही पश्चाताप है। पता है वो भी कर लेंगे। अरे भाई जलते हुए अंगारे पे चलना होगा तुम्हें। चलो 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 पी लीजिए। हाँ कली हमारा फोन कहाँ पे है? टेबल पर पड़ा है। हाँ वो देखो जरा, शायद बज रहा था। किसी कस्टमर केयर का मैसेज होगा, हमें कोई कॉल या मैसेज नहीं करता। अरे एक बार फोन चेक तो कर लो, क्या पता इम्पोर्टेंट मैसेज हो।
हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे सामने बैठे और वो चाय नहीं पी रहे। रुको, मैं लेके आता। अरे चाय ठंडी हो जाएगी, फोन इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो मैसेज। तो ये बात थी, इसलिए आप इतने इंपेशेंट हो रहे थे। और नहीं तो क्या? अच्छी। आप लोग कैरी ऑन कीजिए, मैं आता हूं। मौसम खराब है ना, माहौल गर्म है, कपड़े गर्म कर दो, हमारे मतलब है आयन कर दो। लो भैया, माँ जी पश्चाताप करने के लिए मंदिर गई है और इन दोनों को यहाँ दिल लगी सूझ रही। और इनको क्या पता, माँ जी भी चालाक लोमड़ी है, हमको यहाँ जग्गा जासूस बना के छोड़ गई है। मारो, 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 मारो। अभी भागी तो जूता पड़ जाएगा, चलिए भागिए। अरे भागिएगा, थोड़ा जल्दी दौड़िए, शुक्रिया बच्चे, पड़ जाएगा दो तीन जूता। जान बचा लिए, धन्यवाद। अरे बस बस अम्मा जी, ऐसा है ना, ये को फिल्म देखे थे, नाम का याद नहीं, उसमें हीरो बोलता है ना, बचाने वाला तो बस एक होता है, ऊपर वाला। हम तो बस वही किए जो उसने करवाया। नाम का है, नाम, नाम। ऐसा है ना, बाबूजी ने तो हमारा नाम प्यार से बिरसे रखा, लेकिन गांव वाले ना हमको पिछली बुलाते हैं। काहे, पिछली बोर्ड में काम करते थे। अरे नहीं नहीं, बोलने में आसान पड़ता है ना। अरे लेकिन नाम से ही नहीं, काम से भी हम बहुत तेज हैं। गांव में कोई भी काम हो, चाहे किसी की बर्थडे हो, शादी हो, बारात हो, गोद भराई हो या बरसी, सब स्वर्गीय बादल पंडित की बेटी यानी कि हमें याद करते हैं काम करने के लिए। ब्राह्मण हो तो सोनपुरा गांव के मंदिर में थे बाबूजी, हम ना प्रसाद बनाते थे, वो तो बस वक्त की थोड़ी सी मार पड़ गई, इसलिए गांव छोड़ के यहाँ भटक रहे हैं। का बताएं अम्मा जी, तो फिल्म में देखे थे, नाम क्या है याद नहीं, पर उसमें हीरो कहता है ना, सब एक ही चीज का बवाल है, वो तो क्या, पैसा। हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत, बस इसी मारे घूम रहे हैं यहाँ काम की तलाश में। ए, खाना पका लेती हो? खाना, खाना पका लेती। ऐसा की उंगली चाट जाए सब। अच्छा, हमारे साथ चलो, हमारे रसोई में वो ऐसा सब उठा पटक रहता है। अब ब्राह्मण कुल की बेटी है, ऐसा हालत में अच्छा नहीं लगता है। पैसा ऐसा मिलेगा? काला साया है तुझ पर, तेरी जबान इसीलिए काली हो गई है, इलाज करा अपना वरना थोड़े ही दिनों में गायन हो जाएगी।
बगैर कुल की लड़की को अपनी बहू बना लिए हो ना, धर्म का नाश हो रहा है छोटे कुल और बड़े कुल के समागम से। पछताएगी, बहुत पछताएगी। पछता तो रहे ना, त्रस्त तो पक्के हम। आप एक और नया उपाय बता दीजिए, उपाय। अलग कर दोनों जोड़ों को, मत मिलने दे। जब जब वो मिलेंगे तब तब प्रेत का साया होगा तेरे ऊपर। जा, लग जा काम पे। एक कट कट कौन कर रहा है रे? इतना सारा कौवा। अम्मा जी, हमारे गांव में ना कौओं के झुंड को प्रेत बाधा का प्रतीक मानते हैं। कहीं वो बाबा सही तो नहीं कह रहा था? आपके ऊपर कौनो प्रेत बाधा तो नहीं है? हाँ सुनो, तुम काउंटर के बाहर खड़े रहना टिकट लेके, मैं वहां पहुंचता हूँ। हाँ आई नो थोड़ा लेट है, बस बस मैं तो कल ही, कितना टाइम और? हाँ ठीक है, मैं बस आता हूँ। कल ही फालतू में पैसे वेस्ट हो गए। किस बात में? मूवी में। क्यों, हम देखने तो जा रहे और अभी टाइम है। अरे जब तुम्हें इतना खूबसूरत ही लगना था तो मूवी में पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत है? अब मूवी में तो ध्यान जाएगा नहीं मेरा, तुम इतनी खूबसूरत जो लग रही हो। आप भी ना। चलो युग, एक बात है, क्या हमें सच में मूवी देखने जाना चाहिए? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हमारा मतलब है, वो दादी की तबीयत खराब है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ नहीं हुआ है दादी को, अभी जरा सा रिएक्शन है, दो तीन दिन में ठीक हो जाएंगे। फिर भी युग, रिलैक्स कली, आई नो माय दादी, बहुत टफ है वो। देख लो अभी मंदिर अकेले चली गई ना, और जब ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद ही टिकट बुक ना करता। चलो हम लेट हो रहे। अरे दादी आप आ भी गए इतनी जल्दी, दर्शन ठीक से हुए ना? दर्शन अच्छे से हुए ना? दर्शन यहाँ जान बची लाखों पाए वाला हाल है, और पूछ रहा है दर्शन हुआ का नहीं। दर्शन बढ़िया, एकदम बढ़िया। इसे मिलो, ये चली। हम बिजली। नमस्ते। हमारे पोता युग। युग नमस्ते। अरे ये मेरी वाइफ कली। नमस्ते। वो दादी हम मूवी देखने जा रहे थे। दोनों जोड़ों को, जब जब वो मिलेंगे तब तब प्रेत का साया होगा तेरे ऊपर। रघु को करने को जो बोला था भूल गया शायद। तो आप लोग आराम कीजिए, हम चलते हैं। चलो करें। जी पापा। युग, ये बॉम्बे वाली पार्टी डील कैंसिल करने पे तुली है।
और तुम इन्हें कन्विंस कर सकते हो। प्लीज जल्दी ऑफिस आ जाओ। डैड वो तो मैं कली के साथ मूवी देखने जा रहा था, मीटिंग कल नहीं हो सकती क्या? आई नो बेटा, पर ये काम ज्यादा जरूरी है। वो लोग कल सुबह के फ्लैट से जा रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं मनाया तो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। ओके डैड, मैं आता हूँ। कोई बात नहीं युग, आप चले जाइए, हम मूवी बाद में देख लेंगे। पर मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। हम जानते हैं, पर अभी ये ज्यादा जरूरी है ना। ओके। इनके पास रहने से हमारी जान को खतरा है ना। अब देखो कैसे दोनों को दूर रखते हैं।